मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। रिप्लाइसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों हमारी बॉडी जो है तीन चीजों से चल रही है, तीन चीजों से बनी हुई है ना, जैसे कि तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र जो कोशिकाएं होती हैं, मंत्र यानी कि हम जो बोलते हैं हमारी वाणी, और यंत्र यानी कि हमारा ढांचा, हमारी बॉडी का जो ढांचा है ना। तो दोस्तों जैसे कि तंत्र, मंत्र, यंत्र जो होते हैं, इनसे आप किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी असंभव चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र का आज मैं आपको एक यंत्र बता रहा हूं। इस यंत्र को कैसे करना है, कब बनाना है, किस चीज से बनाना है, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों ये यंत्र यदि आप मेरे बताए तरीके से अगर बना करके अपने पास में रख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। मतलब कि पैसों से संबंधित कभी कोई काम आपका रुकेगा नहीं। जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपका कोई ऐसा काम बन जाएगा, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा योग बन जाएगा कि जिससे आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। धन से संबंधित कभी कोई आप काम आपका रुकना ही नहीं है। बस दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जानकारी पूरी अच्छे से समझिएगा। जो यंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस यंत्र को कैसे बनाना है, किस चीज से बनाना है, कब बनाना है और किस समय बनाना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों जरा सी भी जानकारी अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से जानकारी को समझिएगा। वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, जब जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद में आप इस यंत्र को बना करके और अपने पास में रख करके देखिए, लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। जो भी आपके धन संबंधित परेशानी चल रही थी, किसी ने आपकी लक्ष्मी को बंदिश किया है, किसी ने कुछ टोना टोटका किया है, तो ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में पैसा आता है या हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे आस पड़ोस के लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ टोना टोटका या हाय बद्दुआ दे देते हैं, जिससे कि हमारी लक्ष्मी बंदिश हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, हाय बद्दुआ होती है। कुछ लोग इतनी बुरी नजर से देख लेते हैं कि मतलब कि पैसों की बंदिश हो जाती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ में है तो सारे तंत्र मंत्र किया कराए, सारे सभी चीजों का तोड़ इस यंत्र में छुपा हुआ है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस यंत्र को आपको पूर्णिमा के दिन में, ठीक है, या फिर त्रयोदशी के दिन में, शुक्रवार के दिन में, गुरुवार के दिन में, इस दिन आपको बनाना है। और जब विशेष पर्व पड़ते हैं, जैसे कि होली पड़ गई, ठीक है, या फिर दीपावली पड़ गई, दीपावली के दिन तो दोस्तों विशेष रूप से आप इस यंत्र को जरूर बनाएं, वीडियो को सेव करके रख लें, ठीक है, और दीपावली के दिन में इस यंत्र का निर्माण करके जरूर इसका प्रयोग करें। साथ में इसको आप शिवरात्रि में, गुप्त नवरात्रियों में, नवरात्रि के किसी भी दिन बना सकते हैं, ठीक है, और रोहिणी नक्षत्र में आप बनाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों इस यंत्र को बनाने के लिए आपको अष्टगंध जो होती है इसका प्रयोग करना है। आप पूजा पाठ वाले स्थान में जहां पे जाएंगे तो अष्टगंध आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, थोड़ी सी अष्टगंध ले लें, ठीक है, अष्टगंध की डिब्बी मिल जाएगी तो आप अष्टगंध ले आए, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दें, किसी भी पात्र में लें आप पहले। दोस्तों भोजपत्र लेना है आपको, भोजपत्र आपको 10-20 रुपए का आराम से मार्केट में मिल जाएगा, आप जहां पर किराने स्टोर में मिल जाता है, पूजा पाठ वाले स्थान में मिल जाता है। भोजपत्र जो होता है दोस्तों तंत्र प्रयोग में बहुत ही पावरफुली वर्क करता है और धन प्राप्ति के लिए आप भोजपत्र का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिसको भोजपत्र नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करें, एक सफेद कलर का कोरा कागज ले लें, लेकिन यदि आप भोजपत्र पे इसको बनाते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। भोजपत्र, अष्टगंध, ठीक है, और साथ में थोड़ी सी हल्दी और एक दो दाने केसर के ले लें। अब इसको बनाने के लिए आप चांदी की कलम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, चांदी की कलम मतलब कि चांदी का एक तार मिल जाए यदि आपको, तो चांदी का तार ले लें, चांदी का तार नहीं है
तो उसके बाद में सबसे बेस्ट जो है वो है अनार की कलम। अनार की कलम अगर दोस्तों आप यूज करते हैं तो सोने पे सुहागा। जिनको अनार की कलम नहीं मिल पा रही वो गुलाब की कलम ले सकते हैं, गुलाब की कलम नहीं मिल पा रही है चमेली की कलम ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी और चीज का आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप पूजा स्थान में अपने बैठ जाएं, लक्ष्मी नारायण यानी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की साथ में एक फोटो स्थापित करें, पीला या लाल कपड़े में, ठीक है। बैठे स्वरूप में ही स्थापित करना है आपको। दोस्तों याद रहे, लक्ष्मी नारायण की कभी भी फोटो ला रहे हैं तो बैठे स्वरूप में ही लाएं। माता लक्ष्मी की लाल साड़ी, हरा ब्लाउज, कमर पर बैठी हुई है तो बहुत ही बेस्ट है। दो हाथी उनका अभिषेक कर रहे हैं तो और भी बेस्ट है। और ये नहीं है तो लक्ष्मी नारायण की फोटो ले लें जिसमें माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण दबा रही है, ये वाली फोटो भी आप ले सकते हैं। अगर मूर्ति है तो और भी अच्छी बात है। आपको जब ये प्रयोग करेंगे, महिलाएं भी, काफी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, तो महिलाएं भी इस प्रयोग को कर सकती हैं लेकिन शुद्धि की हालत में। नापाकी वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगे, शुक्रवार के दिन में, गुरुवार के दिन में, अमावस्या सॉरी पूर्णिमा के दिन में या त्रयोदशी के दिन में, ठीक है। इस यंत्र को आपको निर्माण करना है। तो दोस्तों पूजा स्थान में बैठ जाए, अगर लाल आसन लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो शुद्ध आसन लगा लें। लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। सुबह में सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में इस प्रयोग को आपको करना है। सिर पे लाल कपड़ा डाल लें, अगर लाल आसन लाल कपड़ा नहीं है तो लाल कपड़ा जरूर सिर पे डालें, ठीक है। एक गाय के घी का दिया जला लें। गाय के घी का दिया नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, किसी भी शुद्ध घी का आप दिया जला लें। अगरबत्ती आपको लेनी है गुलाब की, गुलाब का इत्र लेना है, गुलाब की अगरबत्ती आपको लेनी है, ठीक है। दोस्तों ये प्रयोग आपको धन से माला माल कर देगा। आप एक बार इस यंत्र को बना करके देखिए। अब आपको क्या करना है, भोजपत्र आपने यदि लिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, चांदी की कलम या जो भी कलम आपने, अनार की कलम है तो अनार की कलम, दोस्तों कहीं भी आप जाएंगे तो अनार का पेड़ आपको मिल जाएगा तो एक छोटी सी लकड़ी तोड़ करके उसकी कलम बना लें। अनार की कलम इजिली आपको मिल जाएगी। तो अष्टगंध, हल्दी और दो चार दाने केसर के डाल करके और गुलाब जल जो होगा, गुलाब जल से इसका एक पेस्ट बना लें, ठीक है। पूजा स्थान में इस प्रयोग को करना है। दोस्तों याद रहे कि जब इस यंत्र का निर्माण करेंगे तो दीपक प्रज्वलित कर देना है आपको। दीपक यानी कि अग्नि साक्षी होती है आपके किसी भी प्रयोग का, आपके पूजा पाठ का, आपके तंत्र मंत्र का। और साथ में दीपक जो होता है ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि नौ ग्रह आपके एक साथ यहां पर विराजमान हो जाते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही, और साथ में एक थोड़ा सा जल अपने सामने रखें, ठीक है। सिर पे कपड़ा रखें, एक आसन लगा लें, आसन जरूर रखें। सात्विक प्रयोग है दोस्तों, तो उस दिन आपको नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो नॉनवेज का आपको सेवन नहीं करना है, ठीक है। अपने ऊपर पहले गायत्री मंत्र पढ़ के पहले जल छिड़क लें। ओम भूर्भुवत् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़क लें, ठीक है। उसके बाद यंत्र का पुनर्निर्माण करना है। भोजपत्र जो आपने लिया हुआ था उसमें ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये यंत्र दिया हुआ है, इस यंत्र का आपको निर्माण करना है। जहां पर 20 लिखा हुआ है दोस्तों वहां पर आपको नीचे अपना नाम लिख देना है, ठीक है। अगर अपने पिता का नाम लिख सकते हैं तो पिता का नाम भी लिख दें, थोड़ा यंत्र बड़ा बनाए, छोटे छोटे में लिख देना है आपको। पिता का नाम लिख दें और गोत्र लिख दें, अगर गोत्र याद है तो गोत्र भी लिख दें। नाम भी लिख सकते हैं लेकिन पिता का नाम और गोत्र लिखेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये करने के बाद में जब आपका यंत्र का पूरा निर्माण हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको इसको फोल्ड कर देना है सूखने के बाद में। ये नहीं कि आपने गीला इसको फोल्ड कर दिया तो वो फिर यंत्र बिगड़ जाएगा, है ना। तो फोल्ड करने से पहले दोस्तों 5 अगरबत्ती जलाएं गुलाब की अगरबत्ती की, ठीक है। और इसमें धूप दिखाएं, थोड़ा सा हाथ से ऐसे धूप दिखा दें जो आपने दीपक प्रज्वलित किया था, इससे आरती उतार दें। और गुलाब का जो इत्र लिया हुआ था, गुलाब का इत्र चारों कोनों में लगा दें, ठीक है। अब सीधे हाथ में इसको आपको रखना है, ठीक है। यंत्र को सीधे हाथ में आप रखेंगे और विष्णु भगवान का गायत्री मंत्र, विष्णु भगवान का गायत्री मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ठीक है। और माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र, इसको 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार या 108 बार, जो भी आपको बनता है, जितना ज्यादा मंत्र का जाप करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, यह है लक्ष्मी माँ का गायत्री मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, ठीक है। ये मंत्र है विष्णु भगवान का गायत्री मंत्र। अगर इन दोनों मंत्र का 108 बार सीधे हाथ में यंत्र को लेकर के आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं मंत्र फिर से बोल दे रहा हूं, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। जैसे जाप पूरा होता है आपको, तो आप जाप करने के बाद में लक्ष्मी नारायण भगवान से, विष्णु भगवान से विनती करें कि आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियों को दूर करें। जिस भी वजह से, जिस भी आपके कर्मास की वजह से, या फिर जिस भी किसी ने किया कराया, टोना टोटका किया, हाय बद्दुआ, जिस वजह से आपकी जिंदगी में धन का प्रवाह रुका हुआ है, तो इस दोष को दूर करके आपकी जिंदगी में धन के प्रवाह को बढ़ा दें। धन से संबंधित का आपका कभी कोई काम ना रुके, ऐसी उनसे विनती करें, ठीक है। दोस्तों ये इस यंत्र को आपको जब सूख जाता है तो इसको फोल्ड करके चांदी के ताबीज में, या फिर गोल्ड में, या फिर तांबे में, इन तीनों में से किसी भी ताबीज में आप इसको भर के और लाल धागे में आप अपने गले में धारण कर लें, ठीक है। अगर गले में धारण नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी तिजोरी में रख लें, जहां पैसे रखते हैं। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो घर की मेन चौखट होगी वहां पर लाल कपड़े में या लाल धागे से इसको बांध दें। फिर देखिए दोस्तों, फिर बस उसके बाद चमत्कार देखिए आप कि आपकी जिंदगी में कैसे धन का योग बनता है। दोस्तों मैं किसी भी वीडियो में ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि आपको पैसे उड़ करके चल करके आएंगे, आपके कोई ऐसे काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपके धन प्राप्ति के योग ऐसे बनेंगे कि आपके बड़े बड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी यदि नौकरी है तो वहां पर सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी। आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, पैसे जहां से आए ऐसे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। कर्म तो करने पड़ेंगे दोस्तों, सिर्फ यंत्र तंत्र मंत्र इनसे आप सोचे कि आपके बैठे बैठे आपकी जिंदगी में पैसा आए तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, ये दुनिया जो है कर्म प्रधान है, कर्म करने पड़ेंगे आपको। आपके योग बनेंगे धन प्राप्ति के, आपको ऐसे योग बनेंगे जहां से आपको धन की प्राप्ति हो, तो आपको जो योग बनेंगे मतलब कि आपके ऐसे काम बनेंगे तो वो कर्म आपको करने पड़ेंगे, है ना। तो पूरे विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में इसको प्रयोग को जरूर करिए। और दोस्तों दीपावली के दिन में इस प्रयोग को आप जरूर दोहराएं, रोहिणी नक्षत्र में इस प्रयोग को आप जरूर करें, पूर्णिमा के दिन में इस प्रयोग को जरूर करें। अगर आप तिजोरी में रख रहे हैं, अगर अपने पास में रख रहे हैं, गले में धारण कर रहे हैं, या अपने सीधे हाथ में बांध रहे हैं, तो इस चीज का आपको याद रखना है कि किसी के मरण में, मृत्यु में आपको नहीं जाना है। कोई भी ऐसे जहां पर इससे दोष लगता हो ऐसी जगह इसको लेकर के आप नहीं जाएंगे। इसको धारण करने के बाद में आप मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, है ना। जब भी मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं इसको पूजा स्थान में रख दें, दूसरे दिन नहा धो करके स्वच्छ होकर के फिर इसको धारण कर लें। नापाकी वाले दिन में धारण कर सकते हैं लेकिन इसको बना नहीं सकते हैं आप, और सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, महिलाएं, वृद्ध पुरुष, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। दोस्तों ये प्रयोग करने के बाद में आपकी जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये यंत्र जो है धन को आकर्षित करता है, पैसों को आकर्षित करता है। दोस्तों इस प्रयोग को आप गले में धारण करने के लिए बना रहे हैं तो बना सकते हैं, फिर एक बार बना लें तो उसको गले में अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, फिर एक बार बना लें तो अपने चौखट में बांध दें। मतलब कि 2-3 बार इस प्रयोग को करके आप अपने सब जगह यूज कर सकते हैं। बस श्रद्धा विश्वास के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में, विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। पैसों में खेलेंगे आप, पैसों की कभी आपकी कमी नहीं आएगी जिंदगी में, करके देखिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।